हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आप हम डिस्कस करेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में। ये जो टॉपिक है आपका क्लास ट्वेल्थ की ज्योग्राफी बुक है आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी चैप्टर नंबर 6 में दे रखा है, प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। राइट, तो शुरुआत करते हैं। पहली बात, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। अब सूखा आप समझते होंगे, पहली बात तो समझ लो ड्रॉट क्या होता है, ये समझना ज़्यादा जरूरी है। ड्रॉट मतलब सूखा। सूखा क्या होता है, जब किसी जगह पर, किसी भी जगह पर अगर मान लो रेनफॉल ना हो बहुत लंबे समय तक, किसी भी जगह पर जब रेनफॉल ना हो तो ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी, उस कंडीशन को बोलते हैं सूखा। और जब सूखा होगा तो आपको पता है क्या दिक्कत आएगी, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी कम, और हो सकता है एग्रीकल्चर ना हो। एग्रीकल्चर ना होने पर किसकी कमी हो सकती है, ग्रेन्स की कमी हो सकती है। एग्रीकल्चर ना होने पर फोडर की कमी हो सकती है, इससे इंसानों को दिक्कत आएगी, और फोडर ना होने पर जानवरों को दिक्कत आएगी। तो ड्रॉट प्रोन एरिया मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पे सूखा बहुत ज़्यादा पड़ता है, पानी बहुत कम होता है, बरसात कम होती है, तो उसको हम बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया। तो मतलब ड्रॉट प्रोन एरिया में ज़मीन में भी ऐसे क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं, राइट, तो ऐसे एरिया को हम बोलते हैं ड्रॉट प्रोन एरिया। तो ड्रॉट प्रोन एरिया में डेवलपमेंट के लिए सरकार ने प्रोग्राम चलाया है, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे ड्रॉट प्रोन एरियाज को हम डेवलप कर सकते हैं, कैसे ड्रॉट प्रोन एरिया में हम खुशहाली ला सकते हैं, कैसे ड्रॉट प्रोन एरिया में लोगों को हम इकोनॉमिकली पावरफुल बना सकते हैं। राइट, तो ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम पहली बात कौन सी फाइव ईयर प्लान के अंदर चलाया गया था, ये चलाया गया था फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर। और फोर्थ फाइव ईयर प्लान आपका आया था 1969 से 1974 के बीच में। पॉलिटिकली अगर मैं बात करूं, ये वही समय है जब आपको पता चलेगा इंडिया में इंदिरा गांधी जी रूल कर रही थी। कौन रूल कर रही थी, इंदिरा गांधी। आई एम श्योर आप सबको पता होगा इस चीज़ के बारे में। और दूसरी बात अगर मैं करूं, फाइव ईयर प्लान आपको पता ही है कौन बनाता है, प्लानिंग कमीशन बनाता है। पहला फाइव ईयर प्लान आपको पता है 1951 से 1956, सेकंड फाइव ईयर प्लान 1956 से 1961 तक चला था, और थर्ड फाइव ईयर प्लान 61 से 66 के बीच में चला था। फिर तीन साल आपको पता है एनुअल प्लान्स बनाए जाते हैं, और फिर फोर्थ फाइव ईयर प्लान 1969 से 1974। इसी फोर्थ फाइव ईयर प्लान के अंदर किस पर फोकस किया गया था, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम पर फोकस किया गया था, जो जहाँ पर सूखाग्रस्त क्षेत्र हैं उनके डेवलपमेंट की बात कही गई थी। तो इस प्रोग्राम का जो मेन ऑब्जेक्टिव था कि सूखाग्रस्त जो क्षेत्र होते हैं, ड्रॉट प्रोन एरिया का मतलब ऐसे क्षेत्र जहाँ पर सूखे जैसी कंडीशन रहती है, ऐसे एरिया में एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड किया जाए लोगों को। अब यार एम्प्लॉयमेंट कैसे प्रोवाइड करोगे, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट करना पड़ेगा, वहाँ पर कुछ ना कुछ आपको डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ करनी पड़ेंगी, तब जाके वहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो इसमें क्या किया जाता है, कुछ प्रोडक्टिव असेट क्रिएट की जाती है, कुछ ऐसी संपत्ति तैयार की जाती है जिससे लोग फ्यूचर में अपना सोर्स ऑफ इनकम बना सके, या ऐसी असेट जो उनके डेवलपमेंट में हेल्प करे। फॉर एग्जांपल, कंस्ट्रक्शन ऑफ लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क। ऐसे एरिया में आप ऐसे वर्क लेके आओ वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़े। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे कैनाल बना दो, कैनाल बनाओगे तो यहाँ के लोगों को जॉब मिलेगी, जॉब मिलेगी तो उनका डेवलपमेंट भी होगा। दूसरा इरीगेशन प्रोजेक्ट, वही कैनाल इसमें आ जाएगा, है ना, इरीगेशन प्रोजेक्ट लेके आओ। और लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है जिसकी मतलब फ्लैट नहीं है, तो उस ज़मीन को प्रॉपरली डेवलप करो, वहाँ पे पेड़ लगाओ, एफोरेस्टेशन करो ज़्यादा से ज़्यादा, ग्रासलैंड डेवलपमेंट करो ऐसे एरिया में, बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार करो। नहीं, बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ जाएगा, वहाँ पर रोड्स बनाओ, है ना, गांव में जो मतलब सूखाग्रस्त क्षेत्र है वहाँ पे आप इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा उपलब्ध कराओ, वहाँ पे आप ड्रिंकिंग वाटर की सुविधा उपलब्ध कराओ, वहाँ पे आप एजुकेशन का सिस्टम डेवलप करो, वहाँ पे आप क्रेडिट की फैसिलिटी प्रोवाइड कराओ, मतलब लोगों को लोन मिल सके। ये सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में, यहाँ पर आप मतलब वेस्ट कलेक्शन या वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम तैयार करो। अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है कि यार कौन से एरिया को आप कहोगे कि यार ये ड्रॉट प्रोन एरिया है, किस एरिया को, क्या क्राइटेरिया और कौन डिसाइड किया। तो पहली बात तो ड्रॉट कोई एरिया ड्रॉट प्रोन एरिया है या नहीं, ये डिसाइड किया, ये क्राइटेरिया देने वाले ऑर्गेनाइजेशन है इरीगेशन कमीशन। इरीगेशन कमीशन ने 1972 में एक मतलब क्राइटेरिया दिया। क्या क्राइटेरिया, ये कह रहे कि अगर किसी जगह पर मान लो ये टोटल एरिया है जिसमें खेती की जा रही है, ओनली 30% एरिया पर ही आपकी इरीगेशन की फैसिलिटी है, उसको हम बोलेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया। तो इरीगेशन कमीशन डीमार्केटेड ड्रॉट प्रोन एरियाज एंड इंट्रोड्यूस्ड क्राइटेरिया ऑफ 30% इरीगेटेड एरिया। तो ये कह रहे कि अगर किसी जगह पे 30% एरिया पे ही अगर पानी देने की फैसिलिटी है, 30% एरिया ही ऐसा है इरीगेटेड है, इरीगेटेड मतलब जहाँ पानी देने की फैसिलिटी है उससे ज़्यादा नहीं है, तो उस एरिया को हम कहेंगे ड्रॉट प्रोन एरिया। तो ये वाला कॉन्सेप्ट कौन लेके आया, इरीगेशन कमीशन, कब लेके आया, 1972। ठीक है, ड्रॉट प्रोन रीजन्स। अब कोई पूछे आपसे भारत में यार कौन कौन से एरिया हैं जो मतलब सूखाग्रस्त हैं, उनको हम क्या
कहाँ कहाँ पर वो लोकेटेड है। पहली बात ये आइडेंटिफाई किया किसने, प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन के बारे में बता चुका हूँ, 1950 में बनाता है और प्लानिंग कमीशन ही बनाता है 5 ईयर प्लान्स, जिसका हेड कौन होते थे, प्राइम मिनिस्टर। ये प्लानिंग कमीशन की बात रही। कमेंट करके बताना प्लानिंग कमीशन के पहले चेयरमैन कौन थे। तो 1967 में प्लानिंग कमीशन ने 67 डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया, जिनको बोला कि यार ये हैं ड्रॉट प्रोन रीजन्स, जो पूरी तरह से या पार्टली, मतलब कुछ हद तक, मतलब पूरी तरह से ना भी हो, तो वो कैसे थे, ड्रॉट प्रोन रीजन्स थे। तो 67 भारत में ऐसे एरिया इन्होंने आइडेंटिफाई किए जो कैसे हैं, ड्रॉट प्रोन रीजन्स हैं, जिसमें वेस्टर्न राजस्थान। अब राजस्थान के बारे में अगर अब आपको बताऊँ तो 61% एरिया जो है ना राजस्थान का, वो कैसा है, डेजर्ट वाला एरिया, थार डेजर्ट है। आप सबको पता है राजस्थान में कौन सा डेजर्ट है, थार डेजर्ट। अंडरस्टूड, तार के नाम पे गाड़ी भी चल गई है, राइट। तो वेस्टर्न राजस्थान, जिसमें आपके बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, ये वाले आ जाते हैं, पार्ट्स ऑफ गुजरात, गुजरात के कुछ हिस्से, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का वेस्टर्न वाला हिस्सा, मराठवाड़ा रीजन ऑफ महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का मराठवाड़ा रीजन, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेट्यूज, ये साउथ इंडिया में आ जाएंगे, कर्नाटक प्लेट्यू आ जाएगा इसमें, हायर और इंटीरियर लैंड ऑफ तमिलनाडु। तो ये वाले जो रीजन है ये हैं ड्रॉट प्रोन रीजन। अब डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज, इनके डेवलपमेंट के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी चलाई गई या किन किन चीज़ों के बारे में कहा गया है कि कैसे यहाँ पे डेवलपमेंट लाया जाए। तो नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज रिव्यूड द परफॉर्मेंस ऑफ ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ड्रॉट प्रोन एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाया गया, इसको रिव्यू किया नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरियाज, और इन्होंने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया, कि दिस प्रोग्राम इज मेनली लिमिटेड टू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स विद मेजर फोकस ऑन रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस। तो ये नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया कह रही है कि यहाँ पे ये जो प्रोग्राम चलाया जा रहा है ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, इसका ज़्यादा फोकस एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर पर है। अलाइड सेक्टर का मतलब एग्रीकल्चर से जो संबंधित सेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं अलाइड सेक्टर। जैसे एग्रीकल्चर के साथ अगर आप एनिमल रियरिंग कर रहे हो तो वो अलाइड सेक्टर में आ जाएगा, एग्रीकल्चर के साथ आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो वो मतलब आपका किस में आ जाएगा, अलाइड सेक्टर में आ जाएगा, है ना। तो खेती के साथ साथ जो भी कर रहे हो दैट इज अलाइड सेक्टर। तो ये कह रहे हैं एक तो इसका ज़्यादा फोकस किस पे है, एग्रीकल्चर और अलाइड सेक्टर, और ये इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने पे ज़्यादा फोकस है। इकोलॉजिकल मतलब वहाँ पे हरियाली लाने में, एफॉरेस्टेशन करने में, इनमें ज़्यादा फोकस है। अब कुछ नीड भी महसूस की गई कि भाई साहब इससे ही काम नहीं चलेगा, हमें अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की ज़रूरत है इन एरियाज में, लोगों को खेती के साथ साथ और भी हमें कुछ डेवलप करने की ज़रूरत है। यहाँ पे आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज डेवलप करो, यहाँ पे आप कॉटेज इंडस्ट्रीज डेवलप करो, है ना। यहाँ पे कुछ डेवलपमेंट के लिए ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा, और साथ ही साथ में ऐसे माइक्रो लेवल पर, मतलब बिल्कुल छोटे से छोटे लेवल पर, गांव के लेवल पर आपको इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट पर फोकस करना पड़ेगा। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, मैं ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं, आप कम सर्च करके देख लेना वाटरशेड मैनेजमेंट इंटीग्रेटेड, और वो मिल जाएगा आपको, है ना, पानी वाला जो चैप्टर है ना वाटर रिसोर्सेज, उसमें ये करा चुका हूँ। तो वाटर शेड मैनेजमेंट पर फोकस करने की ज़रूरत है ताकि इस एरिया में वाटर कंजर्वेशन कर सके, पानी को एफिशिएंटली यूज कर सके। साथ ही साथ में रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, हमें इकोलॉजिकल बैलेंस को रिस्टोर करने की ज़रूरत है। पानी, वाटर, सॉइल, प्लांट, ह्यूमन एंड एनिमल पॉपुलेशन, इन सब के बीच में हमें एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है, इन सब के बीच में हमें एक बैलेंस इस्टेब्लिश करने की ज़रूरत है। क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, और ड्रॉट प्रोन एरिया में हमें रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करने की ज़रूरत है, जैसे वहाँ पर बिजली, इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड, मार्केट, क्रेडिट, सर्विसेज, इन सब चीज़ों पर फोकस करने की ज़रूरत है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही, ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। और अब तक आपने लकी एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब लकी एजुकेशन एंड बी द पार्ट ऑफ लकी एजुकेशन फैमिली। धन्यवाद।